अरे यार पानी गंदा आ रहा है, मैं क्या करूँ। ये देखो भाई साहब, पानी गंदा आ रहा है आज। देख कैमरा ले जाना तो भूल गया मैं। Late nights, been on long flight, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. We can. ये देखो यहाँ पे भी गंदा पानी आ रहा भाई साहब। अगर पहाड़ों में भी गंदा पानी आने लग जाए तो इसका मतलब समझ जाओ। क्या समझोगे कि भाई पानी का स्तर खराब हो रहा दिन पर दिन, समझे। कल का पानी था, कल का पानी पीने का पानी यूज कर रहा मुंह धोने के लिए, ठीक है। Late nights, been on long flights, stayed on. Strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. ऋतिक रोशन तो नहीं लग रहा, सही लग रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महिपाल और आप देख रहे हैं महिपाल उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बता दूं कि मैं हूं अपने गांव विश्वनाथ में और ये गांव पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग और थोड़ा नर्वस भी हूँ, तो डिसलाइक मत करना, ठीक है। और कमेंट तो वैसे भी पता है कि एक दो से ज़्यादा कमेंट आने वाले नहीं है मेरी वीडियो में, मुझे पता है। दोस्तों ये देखिए, मैं आ गया हूँ अपनी छत पे और ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत बहुत मस्त है, बहुत मस्त। ये देखिए चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, वो देखिए बादलों को। दोस्तों बता दूं कि मैं पी रहा हूँ अभी गाय का दूध और ये कोई मामूली गाय नहीं है, बल्कि ये है पहाड़ी गाय और इसका कोई बहुत टेस्टी दूध होता है इसका। हाँ बहुत टेस्टी, और आप इसको मोनू का दूध भी कह सकते हैं क्योंकि मेरी गाय का नाम है। दोस्तों सुबह के बज गए हैं 10:30 और टाइम हो चुका है नहाने का, और दोस्तों यहाँ पे पानी गर्म करना पड़ता है क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, इसलिए पानी गर्म करना पड़ेगा। अभी तो खैर धूप आई हुई है लेकिन पानी गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पानी ऐसे गर्म नहीं होता, चूल्हे चूल्हा जला के चूल्हे में गर्म करना पड़ता है यहाँ पे पानी। तो मैं अपनी दादी से बोलता हूँ, तो चलिए दोस्तों चलते हैं दादी के पास। बता दूँ दोस्तों दादी सेक रही है यहाँ पे घाम, मतलब धूप सेक रही है यहाँ पे। तो पूछते हैं अम्मा, मेरे लिए पानी गर्म कर दे। ये खुद खाते कर दे यार, अम्मा कर दे, अम्मा कर, अम्मा कर दे यार, पहाड़ी को तू खा ले। अम्मा कर दे यार, अम्मा यार मेरे खाने की कर।
तो दोस्तों दादी ने कर दिया मना और अब हमको खुद ही गर्म पानी को करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, तो आग जलाने के लिए हमें चाहिए कुछ, ये देखो, ये इसको कहते हैं पिरोव कहते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि ये आग जलाने में बहुत मदद करता है, इसलिए इसको कहते हैं पिरोव। और ये चाहिए हमें माचिस। तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है लकड़ी, पहाड़ी लकड़ी। ये देखिए सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं आग जलाने की। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे हाथ में एक अजीब सा, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको कहते हैं हमारे गांव में नोली, और ये आग की धधक को और बढ़ाता है। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऐसे बढ़ाते हैं, ये देखिए, देखा होगा आपने। अब लाते हैं इसमें थोड़ा लकड़ी डालते रहे एक पर से, जो कि आग जली रहे। और अब लाते हैं हम पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। तो आए हैं पानी गर्म करने के लिए, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। देखिए हाथ कैसे हो गए मेरे काले काले से, थोड़ा ऊपर रख देते हैं इसको। अब सही, फाइनली हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसको हम 10 मिनट तक गर्म होने देंगे, उसके बाद मिलते हैं नहाने के बाद। ओके